किसी मोड़ पर देखकर नजर अंदाज कर जाना, किसी मोड़ पर देखकर नजर अंदाज कर जाना, ये तुम्हारी मतलब बता रही है मोहब्बत सच्ची थी। देखिए दोस्तों, ये एक लड़की है जो की है, बहुत मेहनत की है, सेकेंड ईयर वाली है, काफी ज्यादा मेहनत की है। देखिए पागल हुई है पूरा, काम करते करते इसका दिमाग ही। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारा YouTube चैनल राज रोशन व्लॉग्स में। सो दोस्तों, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है, मैं आज मेरे कॉलेज में जो है भैया जी फेयरवेल मनाया जा रहा है, तो अभी मैं जो निकल रहा हूँ कॉलेज के लिए, तो अभी मैं जो हूँ भैया जी मस्त रेडी हो गया हूँ, और मेरे फ्रेंड लोग जो है आगे जो है इंतजार कर रहे हैं, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और फिर वहाँ से जो है हम लोग कॉलेज के लिए निकलेंगे। तो आज ये इंटरव्यू नहीं होने वाला है, करके मत जाना क्योंकि ये पूरा व्लॉग होने वाला है, तो आज के इस व्लॉग में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए कॉलेज में चलते हैं, लड़के लड़कियां फेयरवेल आज मनने वाला है, तो चलिए निकल। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ, और ये देखो सेव, ये पूरा कंफ्यूजन में है कि आज मैं इतना अच्छा सज धज के कहाँ जा रहा हूँ। कॉलेज के लिए फाइनली ये रहा अपना बाइक, चकाचक करवा दिए हैं पूरा, एकदम धोवा हुआ, अगर पॉलिश मरवा दिए हैं, बाइक भी जो है पूरा खतरनाक लग रहा है। ये देखो गजब खतरनाक गाड़ी लग रहा है यार, आज तो बहुत दिन बाद ऐसे धोवा कर मतलब पॉलिश कराया हूँ, ऐसे मेरे को टाइम ही नहीं मिलता जिसकी वजह से मैं करवाता ही नहीं हूँ। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से सीधे आप कॉलेज के लिए। तो फिलहाल भाई अभी हम लोग रास्ते में निकल चुके थे, और अभी मैं जो पहुंचा हुआ हूँ हाईवे जंक्शन के पास। ये देखो ये रहा भैया जी हाईवे जंक्शन, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रुक गए चिल आउट करने के लिए। यहाँ पे ये रहा अपना फ्रेंड रोशन, यहाँ पर ये रहा रितेश, और कुछ सामान वगैरह जो हम लोग ले लिए हैं वहाँ पर जो है, उधर नहीं मिल रहा था बीटा साइड, तो इसीलिए दानापुर से इसको ले लिया। बाकी ये एक बाइक से है, और ये रहा मेरा अपना R15 220, तो इसी से अभी हम लोग जो है निकल रहे हैं। तो यहाँ पर मस्त भैया जी आज चलते हैं फेयरवेल में, कैसा लग रहा है भाई रोशन बता? बहुत अच्छा भाई, अच्छा लग रहा है, मजा आएगा आज मस्त फील आउट करने वाला है एकदम एकदम। आज रितेश भी पूरा हीरो लग रहा है, वो लड़की पटाइए लगा लग रहा है। दोस्तों चलिए चलते हैं सीधे कॉलेज में, कॉलेज भैया जी मस्त मस्त मजा आने वाला है कॉलेज में, क्योंकि भैया मस्त मस्त रिएक्शन जो अभी होने वाला है, तो चलिए निकलते हैं। तो अभी मैं फ्यूल अप लिया था रॉयल राजधानी फ्यूल से, टोटल जो वो तेल जो आया है मेरा इस R15 में, बहुत लोग पूछते हैं भैया जी R15 में टोटल तेल कितना आता है, तो बता देता हूँ 9.22 लीटर मतलब आटा है, और तेल भी मेरा पहले से था, टोटल 13 लीटर का टैंक होता है। कितना का टोटल तेल आया भाई? 989 का तेल आया। तो इसमें अभी भैया जी मस्त टैंक वैंक फुल करा लिया, अब निकलते हैं ताकि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। दिल है कि उसे भूलने को तैयार नहीं, दिल है कि उसे भूलने को
तुमको फोन देना ही बाकी था, इससे बुरा और इस साल क्या होना बाकी था। एक लड़की का बाप 25 साल की उम्र में लड़के से वो हर चीज खोजता है, एक लड़की का बाप 25 साल की उम्र में लड़के से वो हर चीज खोजता है जो खुद उसे पाने में 50 साल लगे हुए होते हैं। एक लड़के की फीलिंग्स एक लड़की कभी नहीं समझ सकती, एक लड़के की फीलिंग्स एक लड़की कभी नहीं समझ सकती। किसी लड़के के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना मेरे दोस्त, लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि उस लड़की को तो नया लड़का मिल जाएगा लेकिन तुम्हारे माँ बाप को एक दूसरा बेटा नहीं मिलेगा। दोस्तों ये एक लड़की है जो की है, बहुत मेहनत की है, सेकंड ईयर वाली है, काफी ज्यादा मेहनत की है, देखिए पागल हुई है पूरा, काम करते करते इसका दिमाग हिल रहा है पूरा, और ये रीते से देखिए लड़की में सटा रहा है पूरा, हम लोग तो हम खास करके ये छिप रही है। पहली भाई फेयरवेल अभी हम लोग का जो है मन गया है, और टीचर लोग जो है वो जा चुके हैं, अभी हम लोग तीनों दोस्त लोग जो है अभी निकलेंगे, और अभी जो टीचर लोग जा चुके हैं तो अभी हम लोग मस्त भैया जी डांस वगैरह जो है करने वाले, और लड़की लोग डांस करेगी तो हम आप सभी को जो है दिखाएंगे, और वीडियो में बने रहिएगा, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड कमाल का होने वाला है। और पीछे आप लोग हमारे देख सकते हो लड़कियां लोग जो है बैठी हुई है, और थोड़ी देर में जो है परफॉर्मेंस वगैरह जो है स्टार्ट होगा, और काफी सारी यहाँ पे लड़कियां लोग हैं, काफी लोग जो है जा भी चुके हैं, लोग बैठे हुए हैं, टीचर लोग जा चुके हैं, तो अब मस्त होगा यहाँ पे डांस, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाइनली भाई फेयरवेल पार्टी हम लोग का जो है कंप्लीट हो चुका है, और अभी हम लोग जो है कॉलेज से यहाँ से अभी निकलेंगे, और फिलहाल चलिए चलते हैं कॉलेज से निकलते हैं, और बाकी फ्रेंड लोग वहाँ पे पीछे हैं, चलिए निकलते हैं, बाकी यहाँ पे बाइक लगा हुआ है, बाइक उठाते हैं और चलते हैं, फिर जो है आगे नाश्ता पानी खाएंगे, फिर वहाँ से जो है निकलेंगे। भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल भाई मैं जो हूँ अपने अभी घर पे आ चुका हूँ, और मैं आप सभी को बता दूं कि फेयरवेल पार्टी जो है काफी बेहतरीन तरीके से होगा, लेकिन लास्ट में जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हुआ कि टीचर लोग जो थे बोल रहे थे कि बस अब हो गया, 3 बज गया, कॉलेज बंद हो गया, जल्दी से आप लोग निकलिए, तो लास्ट में जो है हड़बड़ के कारण जो है कोई भी स्टूडेंट लोग उतना डांस वगैरह जो है डांस वगैरह मतलब समझो हुआ ही नहीं, कोई भी ग्रुप में जो है दोस्त लोग कोई फ्रेंड लोग कोई भाई डांस नहीं किए, एकदम सेमिनार हॉल था उसमें हम लोग को जो है निकलवा दिया गया कि चलिए चलिए निकलिए, टाइम ओवर हो गया है, आप लोग जल्दी निकलिए। हाँ नाश्ता वगैरह वो हम लोग खाए पिए और खा पी कर जो है फिर हम लोग जो है वहाँ से जो है निकल गए, तो ऐसा कुछ सीन था उतना मतलब लास्ट में जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, अगर लास्ट में गड़बड़ नहीं होता ना तो फिर सही रहता। और मैं जो मैं सैड शायरी जो मैं बोला हूँ वहाँ पे भी प्रॉब्लम था, हॉल में ऑडियो ही नहीं सही से आ रहा था, एक होता है बोल्ड ऑडियो आता है तो भाई थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, ऑडियो ही नहीं आ रहा था, ठीक है, तो वही हल्का सा साउंड में जो है थोड़ा बहुत हमने जो है किया है, पर काफी ज्यादा मतलब मजा आया, पहली बार हम मैं जो हूँ स्टेज पर जो हूँ मैं चढ़कर और इस तरह से जो हूँ मैं कुछ बोला हूँ पहली बार था, थोड़ा बहुत मैं जो हूँ वहाँ पे स्टेज पे नर्वस भी हो गया, कहीं कहीं बीच बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ भी हो गया मेरे से पहली बार था भाई इसीलिए, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो।